वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं अगेन ग्रामर के कुछ बेसिक रूल जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना बहुत बहुत अधिक है। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अपनी प्लीज हो सके तो एक नोटबुक और पेन लेकर इस वीडियो को ध्यान से वॉच करें। बच्चों, मैं आपको हमेशा एक वीडियो में, जो भी मेरी वीडियो होती है, उन सब में मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि पेन पेपर लेके बैठिए। इस तरह से क्या होगा, आप अपने साथ पूरी ईमानदारी बरतेंगे, एसएससी डिपार्टमेंट जो आपका एग्जाम लेने वाला है उसके प्रति आप अपनी ईमानदारी प्रेजेंट करेंगे और मेरे साथ भी। तो पेन पेपर का मतलब ये नहीं कि बस लेके बैठ जाइए, साइड में रख दिया और वीडियो को बस निहारते रहे, देखते रहे, ऐसा नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट रूल आपको इसमें बताए जाएंगे वो सभी रूल आप नोट करिए ध्यान से, उसका रिवाइज करिए मैक्सिमम उसको, और जहां मौका मिले उसको उसको सही टाइम पर अप्लाई करें। ज्ञान वही है जो मुसीबत में काम आए, वरना वो सारा ज्ञान बेकार है। ठीक है, ज्ञान ध्यान से आप इकट्ठा करिए, सही ज्ञान अपने अंदर भरिए, और आपका जो नॉलेज बैंक है उसमें वही नॉलेज जानी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए, आपके कैरियर के लिए यूजफुल हो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिलहाल हम वन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में हमसे कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। मतलब ये है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का ये पार्ट है, एक बड़ा सा सेंटेंस आपको देगा, उसको एक सिंगल वर्ड के साथ में रिप्लेस करना है। इसका मतलब होता है ये, ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, इनकॉरिजिबल या इनकरेजिबल, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट इसका राइट आंसर जो है वो है ए। सेकंड जो ऑप्शन है वो है इनक्रेडिबल, मतलब कोई चीज इतनी अच्छी कि जिस पर आप विश्वास ना कर सके। थर्ड जो वर्ड है वो है रेफ्यूटेबल या रिफ्यूटेबल बोलते हैं इसको, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है खंडन करना। फोर्थ ऑप्शन है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब जिसको समझना काफी कठिन हो। तो यहाँ पे क्या है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही ना हो, जो सही ना हो सके, तो इसको हम बोलते हैं ए ऑप्शन, इनकॉरिजिबल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू हमारे सामने कुछ इस तरह से है, टू कीप्स वंस टेम्पर। देखिए, टेम्पर का मतलब क्या होता है, टेम्पर का जो मतलब होता है, हम बोलते हैं नॉर्मली गुस्से से, उसका टेम्पर काफी है ये यार, हर बात पे वो गुस्सा करता है, हर बात में उसका टेम्पर सातवें आसमान पे रहता है। तो टेम्पर का जो मतलब है वो है गुस्से से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं आपको, 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो बी ऑप्शन है इसका अपोजिट होगा, जो टॉलरेट ना कर सके उसको हम बोलते हैं इनटॉलरेंस पावर, जिसकी होती है मतलब हर बात पे जो गुस्सा आता है। लेकिन इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो होगा ए। फ्लेक्सिबल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है, ही इज वेरी केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक साइड बट रिमेन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको कुछ इस तरह से कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी की भी तरफदारी ना लेता हो। ठीक है, तो किसी की साइड ना लेता हो, किसी की तरफदारी ना करता हो, इसका मतलब ये है। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं थर्ड की बात करूं तो जो पहला ऑप्शन है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है पक्षपात करना, इन डिफरेंट। जो थर्ड नंबर है उसका मतलब होता है उदासीन। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर फोर है कोहेरेंट, इसका मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा पक्षपात न करने वाला, मतलब पार्शियल, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर हमसे कह रहा है, इट इज नॉट व्हाट यू से दैट। अब हमारे पास यहाँ पे नया पार्ट आया है, इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स उस देगा, हमको सही जो ऑप्शन होगा वो हमको टिक लगाना है इसमें, मतलब फिलअप में हमको
फिल करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, अगर आपको लगता है कि आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका सही आंसर दे सकते हैं, तो प्लीज 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 अपना स्कोर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, उसमें अपना स्कोर गेन करिए कि आप कितने पानी में और कितने शहद में है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से देखिए, इसमें जो कहा गया है कि तुम क्या कहते हो, ठीक है, तुम क्या कहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या करते हो इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, कहने से ज्यादा करने की वैल्यू होती है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मैटर से। मैटर मतलब होता है वस्तु से फर्क पड़ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कभी कभी आपस में मजाक में या गुस्से में कहते हैं, इट्स डजंट मैटर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब क्या हो गया, मैटर मतलब एक चीज है जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमको फर्क पड़ना चाहिए वैसे वास्तव में, तो ऐसा हम बोलते हैं नॉर्मली। तो इसका जो संबंध है वो है मैटर से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए मैटर। सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, इसका जो लेकिन राइट आंसर है वो है ए मैटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, हार्डली हैड ही अराइव्ड डैश इट स्टार्टेड रेन। वह मुश्किल से ही पहुंचा था कि रेन स्टार्ट होने लगी। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। तो कुछ बेसिक रूल हैं, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिएगा। इसमें क्या होता है, हार्डली या फिर हम बोले नो सुनर, ठीक है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, तो इनसे इनके बाद जो आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, सब्जेक्ट जो होगा हमारा ही, ये जो सब्जेक्ट हमारा ही है, गौर करिएगा आप इसमें, देखिए हमें गौर करना है इस पे ही पर, और ही के साथ हमें गौर करना है हार्डली आए या नो सूनर आए। ठीक है, इसके साथ हमेशा हम कनेक्टर कौन सा यूज करते हैं, वैन करेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, देखो हार्डली के बाद हम हमेशा वैन करेक्टर यूज करते हैं, अगर नो सूनर आए तो हम पहला वाला ऑप्शन जो देन है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फिलअप होगा वो हार्डली के साथ, मैंने क्या बोला, वैन का यूज होता है, तो आप इसमें राइट आंसर क्या लगा के आएंगे, वैन लगा के आएंगे। आप डीप में इसकी ग्रामेटिकल में मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, इस वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी अगर मैं आपको ग्रामर समझाने बैठा तो आप सिंपल याद करिए कि हार्डली के बाद जो हमारा कनेक्टर यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, वैन यूज होगा। अगर नो सूनर आए तो उसके बाद क्या होगा, हमेशा हमारा पहला ऑप्शन THAN वाला देन ये यूज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वी डैश वंडरफुल टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट जो यहाँ पे दिया गया है, तो लास्ट नाइट से हमें किस चीज का पता चल रहा है, पास्ट टेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट से संबंधित कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया। देखिए इसमें क्या होता है कि पास्ट टेंस के बारे में हमको बताया गया है, ये हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, पहली बात तो ये है कि उसने क्या महसूस करा वो बता रहा है, और कंटिन्यूस टेंस हैज हैव हैड का यूज होगा। ये कैसे टेंस है, ये है कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज हैव हैड किसी एक का यूज होगा, तो ए ऑप्शन जो हैड, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल हैड आएगा, हैड बीन नहीं आएगा, हैज हैव नहीं आएगा, लास्ट नाइट है तो हैड का यूज होगा, और कंटिन्यूस टेंस है तो सिंपल हम लोग नॉर्मली यहाँ पर हैड लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वी हैड वंडरफुल टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा, जिसको अगर टेंस नहीं आते तो प्लीज अपना बेस टेंस में बना लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जितने भी टेंस होते हैं उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें बोल रहा है कि आई पर्पजली डैश यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू शिमला। ठीक है, मैं पर्पजली आपसे मिला लास्ट विजिट शिमला के दौरान। ठीक है, इसका मीनिंग मतलब ये हुआ कि लास्ट शिमला के दौरान मैं आपसे मिला था, तो यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट विजिट बोल रहा है, इसमें भी पास्ट टेंस का यूज हो रहा है,
तो यहाँ पे जो आएगी वो सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है? तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि सबने इसका आंसर निकाल लिया होगा। मीट की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है मैट, MET, मैट। मतलब सेकंड जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर राइट होगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज सो डैश दैट ही इमिडिएटली बिलीव माई स्टोरी ऑफ घोस्ट। मतलब इसका कहने मतलब ये है कि वह इतना भोला भाला है कि उसने मेरी भूतों की स्टोरी को क्या कर लिया, इमिटेट, सच मान लिया, या मेरी जो जो मैंने उसको कहानी सुनाई थी भूतों की उस पर क्या करा, उसने जल्दी ही बिलीव कर लिया। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस के मीनिंग अगर हमको पता है ढंग से तो हम इसका फिलअप अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन जो है वन नंबर, इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है उल्लू बनाना, ठीक है? इसको बोलते हैं क्री डूलियस, CRE, क्री बन गया, ड्यूलियस से ड्यूलियस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उल्लू बनाना। इसका मतलब होता है ये, इनोसेंट का मतलब भोला भाला, चाइल्डिस का मतलब बच्चे जैसा जो इंसान व्यवहार करता है उसे बोलते हैं चाइल्डिस, और नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको नॉलेज कुछ ना हो लेकिन बनता बहुत हो अपने आप को उसको बोलते हैं नोवाइस, नौसिखिया, जो जल्दी जल्दी कामों को सीख लेता है लेकिन परफेक्शन उसके कामों में नहीं आ पाता तो उसको बोलते हैं नोवाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, ए और बी, एक तो है इनोसेंट, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, या ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है क्रीडुलियस, ठीक है? तो इसमें से कोई एक तो होगा, लेकिन देखो क्या होता है कि अगर हम किसी इंसान को झूठी कहानी सुना रहे हैं और वो हमारी कहानी पर बिलीव कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे या तो भोला भाला, काफी भोला भाला इंसान है यार, वो तो मूर्ख बन गया, वो उल्लू बन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा हमको लग रहा है कि सुटेबल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों ऐसे एग्जाम की दृष्टि से ए ही होगा। इसके आंसर की मेरे पास में थी तो उसमें आंसर ए ही था, और हम भी यहाँ पे हम उल्लू बनाना, कहानी के द्वारा किसी को मूर्ख बनाने को बोलते हैं उल्लू बनाना। इनोसेंट का मतलब होता है जो बच्चा बहुत ही सीधा साधा भोला भाला हो, तो उसके सेंस में अगर हम इसको यूज करते हैं तो साइंस बनेगा उसका भी, ठीक है ना, लॉजिक बन जाएगा सेंटेंस में, लेकिन बट इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सही ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि ऑन अकाउंट ऑफ द डैश इन सेल्स द सॉफ्टवेयर फर्म हैज अचीव्ड एन 8% डैश इन नेट प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, एक तो है हमारा अचीव, अचीव हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है, मतलब अचीव का मतलब प्लस, ठीक है, मतलब इंक्रीज से आ रहा है, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, लाभ भी क्या सेंस दे रहा है हमको, यहाँ पर जो इसका लॉजिक निकल रहा है वो निकल रहा है प्रॉफिट से, अचीव का मतलब उन्नति करना होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, डिक्रीज तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बढ़त से, बढ़त मतलब बढ़ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, मतलब फर्स्ट नंबर हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी पता क्या होता है, रूल अप्लाई नहीं होते, वहां पर आपका IQ लेवल क्या है वो काम करेगा, कॉमन सेंस आपके अंदर कितना है वो वहां पे कभी कभी आपसे एग्जामिनर जो है वो पता करना चाहता है, ठीक है? नॉर्मल सी बात है, सारे हिंट उसने हमको दे दिए, अचीव्ड बोला है, प्रॉफिट बोला है, हर बात जो है यहाँ पर पूरी पॉजिटिव है सेंटेंस में, तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, इंक्रीज। देखिए नया पार्ट हमारे सामने स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है? ABCD चार ऑप्शंस में हमको देगा, कौन से पार्ट में एरर है वो हमको देखना है यहाँ पर, ठीक है? ही इज ऑलवेज, क्वेश्चंस में कह रहा है ही इज ऑलवेज प्रमोट इन कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन। मतलब ये है कि यहाँ पर जो होता है कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन का जो मतलब होता है वो होता है निर्देशों का पालन करना, ठीक है? और कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, तो कैरी आउट जब भी होगा पालन करना, जब भी आपसे कहेगा सेंटेंस में ये सेंस आपको दे रहा हो कोई सा भी सेंटेंस, तो वहां पे हमेशा ING फॉर्म लगती है, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पर ING लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट
यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है, अगर मैं गौर से देखूँ इस सेंटेंस को, आप भी सेंटेंस को गौर से देखिए, पॉज करिए, जिसको ये रूल क्लियर है तो वो उस रूल को लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो रही है सेंटेंस में कहीं ना कहीं, तो आप एक काम करिए, रूल को डायरेक्ट लिखिए कि हमेशा कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, यहाँ जो आईएनजी दे रखा है इसने, ये यहाँ से कट जाएगा। ये रूल किसी दूसरे रूल से क्लैश कर रहा है यहाँ पर, वो रूल मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये आईएनजी यहाँ पर नहीं आएगा, ये जो है रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो जो एरर है वो पार्ट सी में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने आर लगा रखा है, CARR होगा यहाँ पर, कैरी आउट होगा, कैरिंग आउट कभी नहीं होता, हमेशा होता है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, तो जहां पे भी आपको आईएनजी लगे तो आईएनजी हटा दो, हमेशा कैरी आउट डायरेक्ट लिखे नोट्स में, कैरी आउट पालन करना, कुछ भी आए, कैरिंग कैरिड कुछ भी बोले, सबको वो जो पार्ट होगा वो एरर होगा वहां पे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि ही रिवाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इफेक्टेड इमीडिएटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो उसने दिया है, इसने ये बोला है कि इंटरेस्ट की रिवाइज्ड रेट को इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इसने बोला हमसे। तो आपने कभी REVIZED देखा है कभी आपने ये वर्ड, कभी भी कोई भी आपने नॉवल पढ़ा हो, बैंकिंग कोई भी टर्म देखी हो, कोई भी अगर बैंकिंग के नए रूल आए हो, RBI की वेबसाइट पे आप गए हो, वहाँ पे आपने कुछ उसका नोटिफिकेशंस पढ़े हो, तो रिवाइज्ड कभी नहीं होता, हमेशा होता है रिवाइज्ड। जेड की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एस, ठीक है। जेड की जगह पर ये जेड लगा रखा है ना, तो जेड की जगह पर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ये रॉन्ग है, तो इसकी वजह से पूरा सेंटेंस जो वन नंबर जो पार्ट है, पार्ट नंबर ए, ये पूरा ही हमारे पास क्या है, रॉन्ग। तो हमें इसको इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, द रिवाइज्ड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विल बी इफेक्टेड इमिडिएटली, तो उसका राइट आंसर ये होगा। कभी भी रिवाइज्ड नहीं होता, हमेशा ऐसा लगता है रिवाइज्ड होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है, मोस्टली ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैव नो एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए, जब हम प्लूरल नाउंस, जो ये ऑफिसर्स है ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ये अब इससे पहले मोस्टली का यूज अगर हम करते हैं ऐसे केस में, तो वहां पे हम मोस्टली मोस्टली नहीं बोलते, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलते हैं, बोलेंगे मोस्ट ऑफ द। तो यहां से एल वाई हट जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेकार में लगा रखा है, सही बनेगा मोस्ट ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का एरर दिया उसने, तो आपको रूल पता होना चाहिए, क्या रूल था यहाँ पर, यहाँ पे रूल हमारे पास ये था कि जब भी हम प्लूरल नाउन से पहले मोस्ट या मोस्टली का यूज करते हैं, हमेशा वहां पे बोला जाता है मोस्ट ऑफ द, यही यूज होगा इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में उसने क्या बोला हमसे, हमसे बोला है द रेजिग्नेशंस ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैव कॉस्ट द प्राइस ऑफ शेयर टू फॉल, ठीक है। तो डी को आप छोड़ दीजिए, डी का जो ये इसमें एक्स्ट्रा रखा है, टाइपिंग मिस्टेक कहीं पे है ये है, तो आप जो हैज पार्ट है इसको आप काट दीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ये क्या आ गया, क्योंकि बच्चे मेन फोकस कम करते हैं कुछ बच्चे, तो यहाँ पे ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक, ये पार्ट कुछ नहीं है। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले आपको बता दीजिए मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग ये निकलेगा, एक डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया है, तो शेयर जो थे वो क्या हो गए, शेयर के प्राइस गिर गए हैं, ठीक है। जहां पर सबसे पहले हमको सब्जेक्ट फाइंड करना है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी भी देखने को मिले, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है कि सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपनी वर्ब वगैरह का जो भी होगा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट दो है, एक तो डायरेक्टर्स हो गया सब्जेक्ट,
ठीक है, एक हो गया रेजिग्नेशंस, ये भी सब्जेक्ट में काउंट होगा क्योंकि इसी से इफेक्टेड सारे काम हुए हैं। उसने रिजाइन दिया तभी शेयर मार्केट पे प्राइस पे इफेक्ट पड़ा, ये काम किसने करा? डायरेक्टर ने करा। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट क्या है वो देखना है हमको पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो सब्जेक्ट है रेजिग्नेशंस, ये हमारा मेन सब्जेक्ट होगा और जो भी होगा वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, रेजिग्नेशन हमारा क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, हमको पता होना चाहिए। ये जो है सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, हैव की जगह पर क्या आएगा, हैज। पार्ट सी में आप देखिए, ये जो हैव है इस हैव की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैज। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हैज। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन लिखते समय, कुछ नई नॉलेज आपको मिल रही होगी। जिसका इंग्लिश का सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रांग है वो लोग उसको अटेंड करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने स्कोर लिख के भेजेंगे कि आपके स्कोर कितने आए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि देयर आर मैनी वेज ऑफ विच इन्फ्लेशंस कैन बी मेजर्ड, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा महंगाई को नापा जा सकता है। ठीक है, जिनके द्वारा मतलब वेज ऑफ जो लिखा है ना इसने, तो वेज ऑफ कभी नहीं होता, जिनके द्वारा के लिए आता है हमेशा बाय। कहते हैं ना हम बाय बस वहां गए, हम बस के द्वारा वहां पे गए, ठीक है ना, तो ये बाय जो होता है, बाय का अर्थ होता है द्वारा। तो वेज बाय यूज होगा, वेज ऑफ यहाँ पे यूज नहीं होगा। वेज अपने आप सही है लेकिन यहाँ पे ऑफ की जगह पर क्या होगा, बाय द्वारा। तो यहाँ पे जो एरर था वो पार्ट बी में एरर था, आप ऑफ की जगह पर क्या लगाएंगे, बाय, बी वाई बाय, ना कि बी यू वाई। ठीक है ना, बी यू वाई का मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ पे आप लोग जो रास्ते हैं वो खरीद नहीं रहे हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया गया है कि इसके द्वारा बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या है, महंगाई को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफ की जगह पर होगा वो होगा बाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ए चाइल्ड ए ग्लो डैश सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग्स, ये स्पॉटिंग एरर का पार्ट आ गया, यहाँ पे हमको फिल करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे है कि बच्चों का जो आत्मसम्मान होता है अगर उसको चोट पहुँचती है तो क्या होता है, ये बहुत बुरी बात होती है उसके लिए, अंदर ही अंदर वो क्या होता है, बच्चा काफी घुटते रहता है, डरते रहता है। तो इस तरह की जो सेंटेंस है इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं वो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, राइट आंसर इसका होगा ट्रू, यहाँ पे लग जाएगा हमारा ट्रू। ये एक रूल है बच्चों से संबंधित, एक छोटा सा रूल है, अगर आपने आर्टिकल वगैरह पढ़े होंगे या फिर ग्रामर इंग्लिश के अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा। बच्चों मैंने इस चैनल के अंदर एक लुसेंट का जनरल कि एक बुक होती है, बेसिक रूल जो थे वो मैंने वीडियो में बता रखे हैं, अगर आपने वो बेसिक रूल नहीं देखे हैं और आपका एग्जाम आने वाला है तो उस पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, वो प्लेलिस्ट में आपको लास्ट में ऊपर वॉच कर दूंगा, प्लेलिस्ट को आपको मैं शो करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट लूसेंट जनरल अवेयरनेस की जो बुक है उसमें कुछ सिलेक्टेड रूल मैंने इस चैनल पर दे रखे हैं, आप उसको देखिएगा, आपके लिए वो वीडियो बहुत यूजफुल होगा, टाइम हो तो प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ 15 में आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है सिनोनिमस, मतलब समानार्थी शब्द यहाँ पे दिया गया है, बोला है कि कौन सा समानार्थी है, तो सिनोनिमस आप लगा सकते हैं इसमें, इसमें भी सेंटेंस फिल करना है तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपकी वॉकैब भी पता लगेगी और सही आंसर आपको क्या फिल करना है इसमें वो भी आपके बारे में यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द ग्रीन लैंड आइस शीट इज डैश द रेट ऑफ ए अबाउट 12 क्यूबिक माइल से ईयर, सॉरी इसमें कह रहा है कि ग्रीन ग्रीन लैंड की जो आइस शीट है वो 12 क्यूबिक रेट से डैश हो रही है, क्या हो रही है, पिघल रही है। ठीक है, आइस शीट क्या होती है, हमेशा पिघलती है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मेल्ट। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, पिघलना होता है। ठीक है, बर्फ के पिघलने को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग जो होता है, ये जो वर्ड है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का हम बोलते हैं कि मेटल जो धातु होती है उसका पिघलना, जैसा सोना पिघलेगा, सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, अगर मैं उसको आग पे रखूं तो वो पिघलना शुरू होगा, उसको हम बोल देंगे स्मेल्टिंग, मेटल का पिघलना स्मेल्टिंग कहलाता है।
ठीक है। और जो सेकंड वर्ड है कंडेंसिंग, कंडेंसिंग का जो राइट मीनिंग होता है वो होता है लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का सॉलिड में बनना। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जमना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मेल्टिंग। ठीक है। तो इसमें भी फिलर था, आपको फिल करना था सिनोनिमस के बारे में, उसको ये पता करना था कि आपको कितने वर्ड मीनिंग पता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश, प्रिंसिपल ने क्या करा, प्रिंसिपल ने उसको बुलाया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 17 में क्या होगा राइट आंसर, वो होगा हिम। ठीक है, हिज नहीं आएगा यहाँ पे, नॉर्मल सेंटेंस है, काफी बेसिक रूल है जो ये दिया है। ऐसे इतने बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, एमटीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये एक रेलवे का कहीं कुछ शायद ग्रेड डी का कोई एग्जाम था, वहाँ पे ये पूछा गया था, वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, उसके बाद में यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई सॉ डैश ऑफ काउ इन द फील्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको इसका राइट आंसर क्या है। देखिए ग्रुप का मतलब होता है समूह, ठीक है। और एनिमल के समूह को हम क्या बोलते हैं, एनिमल के समूह को हम बोलते हैं कैटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनिमल का डायरेक्ट नाम दे रखा है, इसके समूह को हम क्या बोलेंगे, उसने क्या करा इस समूह के फील्ड, इस ये जो समूह था इस एनिमल का, काउ का, वो उसने फील्ड में देखा, ठीक है। आई सा, तो इसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, काउ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे आपसे पता करना चाहता है। ठीक है, देखिए ग्रुप ऑफ काउ मतलब भैंसों का झुंड, ठीक है। अब आपसे ये पता करना चाहता है क्या होता है, उसको बोलते हैं हेर्ड, HERD, हेर्ड, हेर्ड, कुछ भी बोलो आप, इसका राइट आंसर क्या होगा, वन। ग्रुप ऑफ एनिमल दिस इज कॉल्ड कैटल, ग्रुप का मतलब ग्रुप, एक सेकेंड वर्ड है आपका ये फोर, फोर है कॉलोनी, कॉलोनी, कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी को आप लगे जहाँ पे लोग रहते हैं उसके ग्रुप को बोलते होंगे, ये भी सही है, बट इसका जो मीनिंग है वो होता है चींटियों के समूह को हम कॉलोनी बोलते हैं, चींटियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलोनी। तो ये भी आप लिखिएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ एनिमल कैटल, ग्रुप ऑफ काउ हेर्ड, ग्रुप ऑफ आंट कॉलोनी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 19, माय अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माय सिस्टर टू द मार्केट। तो इसमें बोला गया कि मेरे अंकल ने डिसाइड करा है कि वो मुझे और मेरी सिस्टर को मार्केट ले जाएंगे। यहाँ पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मी, माई अंकल डिसाइड टू टेक मी एंड माई सिस्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका मी, ठीक है। रूल क्या था, रूल ये था कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया, ठीक है। जिसको रूल अगर इंग्लिश का नहीं आता तो प्लीज 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 आप एक काम करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश लुसेंट की एक तीन वीडियो है, उसमें तीनों वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें सारे ग्रामर के रूल मैक्सिमम आपको क्लियर हो जाएंगे, उतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। बाकी आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से, आप कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ऑफलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ के जो प्रीवियस सॉल्यूशन होगा वहाँ से आप देखिए कि सॉल्यूशन में किससे समझाया गया है, ठीक है। सारे रूल आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को वॉच करिए, पूरी ईमानदारी के साथ अपना ऑफलाइन जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको दीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा, हार मत मानिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कुछ इस तरह से कहता है कि मैन डज नॉट लाइव बाय अलोन। बात तो सही है, मैन डज नॉट लाइव बाय डैश अलोन। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रहा है यहाँ पर बाय हिमसेल्फ, अगर मैं बाय हिमसेल्फ लगाता हूँ इसका मतलब क्या होता है, अपने बल पर, आदमी अपने बल पर अकेला नहीं रह सकता, इसका मतलब ये हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप बोलोगे कि मैं दुनिया के बिना अकेला रह सकता हूँ, तो आपको किसी न किसी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अगर आपको मैं अंडमान निकोबार कहीं भेज दूँ, काला पानी तड़ी पार आपको भेज दूँ, जहाँ पे ना तो कोई दुकान है, ना पे कोई खाने का कोई साधन है, नहाने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो क्या आप रह लोगे? आपको जरूरत पड़ेगी किसी दुकानदार की, जहाँ से मैं जा करके
जो भी अपने बिस्किट वगैरह होते हैं, ब्रेड वगैरह होते हैं, वो ला सकूँ जिंदा रहने के लिए। तो हर इंसान को जरूरत पड़ती है, हर इंसान की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंसा। ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगा मैं आपको, एक तरीका था बताने का कि हाँ इसका मीनिंग ये होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हिम सेल्फ, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हम बताएंगे ए मतलब वन हिम सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का नाम से रोहन एंड रोहित आर ट्विंस ब्रदर, ठीक है, बट दे डू नॉट लुक। तो देखिए यहाँ पर जो इसका मीनिंग निकलेगा सेंटेंस का, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से पहले। बच्चों क्या होता है, देखो ट्विंस चाइल्ड क्या होते हैं, हमेशा एक जैसे होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चंस में कि एक जैसे नहीं है, डू नॉट लुक, मतलब वो क्या है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे को हम बोलते हैं अलाइक, मतलब ट्विंस जैसे केस में अलाइक का यूज करना ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। डू नॉट वाले सेंटेंस में अगर एक जैसे ना हो तो वहां बोलेंगे अलाइक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये नहीं बोलेंगे सेम, ठीक है, डू नॉट लुक सेम। तो ये काफी ऑड बोलते समय लग रहा है हमको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड अलाइक, ठीक है। रोहन एंड रोहित आर ट्विंस ब्रदर बट डू नॉट लुक अलाइक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डैश ऑर्डर। देखिए बच्चों, इन ऑर्डर का एक्चुअली मतलब होता क्या है, पहले मैं आपको वो समझा दूं, ठीक है। इन ऑर्डर का मतलब जो होता है, सही तरीके से रखना होता है, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में रखना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, अगर हमारा बुक का जो सेल्फ है, बुक का जो रैक है, वो अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, कहीं कोई किताब पड़ी है, तो हम लोग बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को इन ऑर्डर कर दो, मतलब सही तरीके से इसको लगा दो प्रॉपर ऑर्डर में, या इन ऑर्डर मतलब सही मैनेज तरीके से इन सब चीज़ों को लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा सही तरीके का मतलब जो होगा वो होगा पार्ट सी, मतलब यहाँ पे रहेगा इन ऑर्डर। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस, उन्हें अपने घर को काफी क्या है, सही तरीके से रखा है, प्रॉपर वेल मैनेज करके रखा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा सी होगा, इन इन फिल करते ही ये सेंटेंस पूरा सही बन जाएगा हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, कुछ भी बोलिए, कुछ भी पढ़िए, रूल को सीखिए बस। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सेल्फिश से मतलब है इसका, ठीक है। जो इंसान बहुत सेल्फिश हो उसको बोलते हैं एक्स टू ग्राइंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेल्फिश मोटिव या सेल्फिश कुछ भी कह सकते हैं आप, तो इसको याद रखिएगा। फरीदा सिंग्स वेरी वेल एंड डैश डज सलीम। तो 24 में हमसे कह रहा है, जिस तरह से फरीदा गाती है उसी वेल तरीके से सलीम भी गाता है, सलीम भी सेम तरीके से गाती है और फरीदा भी सेम तरीके से गाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गाता गाता दो बार रिपीट हम लोग कर रहे हैं सेंटेंस में। आप गौर से देखो, इस सेंटेंस में गाता गाता को दो बार रिपीट करा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सो का यूज होगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सिंपल सो का यूज करेंगे, नॉर का, नाइदर का, नन का यूज नहीं करेंगे। नॉर का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंस यहाँ पे नहीं है कुछ भी, नो नेवर नॉट कुछ, नेवर का सेंटेंस में तो नॉर तो पॉसिबल है ही नहीं, नाइदर के साथ नॉर आता है तो ये भी नहीं बनेगा। नन का मतलब नहीं, जीरो से संबंधित होता है, ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, सो, सिंपल सो आप लिखिए और अपना राइट आंसर आके आइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25, द सन डैश एट 6 दिस मॉर्निंग। देखिए सेंटेंस को आप खुद पढ़िए, आप बताइए 6 दिस मॉर्निंग, आप प्रेजेंट में हैं अभी इस समय, अगर ये सेंटेंस आप बोलेंगे, अगर 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं दिन के, और इस सेंटेंस को आप मॉर्निंग की बात को अगर आप रिपीट करेंगे, मॉर्निंग में कुछ इस तरह से राइज हुआ सन, तो वो उस टाइम पे क्या होगा, सन तो राइज हो चुका है ना,
अगर आप 2 PM पे कोई बात बोल रहे हो तो वो मतलब क्या है, मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग क्या बन गया, ये बन गया पास्ट। ठीक है, दिस मॉर्निंग वर्तमान है, टुडे की बात आप कर रहे हो वो सही है, बट अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाया जाए बच्चों, तो यहाँ पे दिस मॉर्निंग क्या होगा, पास्ट को डिनोट कर रहा है, पास्ट जो इंसिडेंस जो था, जो घटना थी वो घट गई है पास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइज, रोज, राइजन। अब बताइए मुझे इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। राइज की सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी, तो क्या लगेगा यहाँ पर, रोज, तो यहाँ पे राइट आंसर पर क्या आएगा, रोज, सेकंड फॉर्म राइज की होती है रोज। ठीक है, राइज, रोज, रोजन, तो राइज है यहाँ पर बट नहीं चलेगा, सेकंड फॉर्म चाहिए रोज, तो ठीक है रोज लगा करके अपना राइट आंसर आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चंस हमारे पूरे होते हैं। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, आपका जो भी एग्जाम है, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस मैं आपको देता हूँ। एग्जाम में बैठिए, बिल्कुल ध्यान से बैठिए, जो भी पढ़ा है उस पर पूरा बिलीव करिए, और कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा एग्जाम में, कॉन्फिडेंस को ओवर में कन्वर्ट मत करना, और ऐसी गलती बच्चे बहुत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड इस चैनल में करूँगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। कुछ लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब करते ही मेरे बैंक से कुछ बैलेंस कट जाएगा, बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा हो सके तो। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर ऊपर शो हो जाएगी कुछ टाइम बाद, अगर शो ना भी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जनरल इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना, लुसेंट की बुक है, ग्रीन कलर का उसका पेज होगा, उसमें 3 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, प्लेलिस्ट में बेसिक रूल है उसे नोट करिए, याद करिए, एग्ज़ाम के साथ पूरी ईमानदारी बरती है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ के जाइए, तभी मज़ा आएगा एग्ज़ाम देने में, मज़ा तभी आएगा जब आप ईमानदारी के साथ पढ़ के जाएंगे, वरना सिंपल बैठेंगे तुक्के मार के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग चल रही है और एग्ज़ाम में तो सिलेक्शन के चांस बहुत 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 कम होते हैं। ठीक है, जाएँ तो प्लीज़ तैयारी के साथ जाएँ एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।